हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चैप्टर फर्स्ट है बच्चों आज, सम बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, ये है आपका चैप्टर वन बच्चों, 11th क्लास। ओके, एक्चुअल में क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम है चैप्टर का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मींस केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के यूजेस क्या हैं, इसका स्कोप क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, कितने टाइप की होती है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ओरिजिन कहां से हुई, और केमिस्ट्री के अंदर और भी कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं, लाइक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम सारे पढ़ेंगे इसके अंदर, कंसेंट्रेशन टर्म पूरा पढ़ेंगे हम इसमें, और भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जैसे आपके लिमिटिंग रिएजेंट हो गए, वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें हम बेसिक सबके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो 11th क्लास, अभी आप 10th करके 11th में आए हो बच्चों, तो 10th में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी और अब जो 11th में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, दोनों केमिस्ट्री टोटली डिफरेंट है, क्योंकि अब आप यहाँ पे ब्रॉड लेवल पर केमिस्ट्री पढ़ोगे। तो ये चैप्टर अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो इस चैप्टर करने के बाद आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, और बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो जाते हैं तो जब आप आगे मूव ऑन करोगे तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर को क्लियर करेंगे बच्चों। आज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन कराऊंगा इस चैप्टर का भी और केमिस्ट्री का भी, ठीक है? उसके बाद टॉपिक वाइज मैं आपको ये पूरा चैप्टर टॉपिक वाइज डिटेल में क्लियर कराऊंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हमें केमिस्ट्री के बारे में क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है क्या। तो देखो बच्चों, केमिस्ट्री का मतलब होता है, केमिस्ट्री मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इज द ब्रांच, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ ऑल द मैटर इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज देयर कॉम्पोजिशन एंड रिएक्शन टू ईच अदर। ये देखो बच्चों, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ ऑल द मैटर इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज देयर स्ट्रक्चर देयर कॉम्पोजिशन एंड रिएक्शन टू ईच अदर। यानी कहने का मतलब यह है कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर, अब मैटर के अंदर क्या है, आपका लिक्विड सॉलिड गैस सब आ गया, यानी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कोई भी चीज है, जैसे लाइक एग्जांपल वाटर, अब कोई भी वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन कोई भी कंपाउंड बनाए तो किससे मिलकर बनाया, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, रिएक्शन टू ईच अदर और उन सबके आपस में रिएक्शन क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ ऑल द मैटर इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज देयर स्ट्रक्चर देयर कंपोजिशन एंड रिएक्शन टू ईच अदर। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की ओरिजिन कहां से हुई बच्चों। तो केमिस्ट्री की ओरिजिन हुई है इजिप्ट कंट्री से, इजिप्ट कंट्री से हुई है। इजिप्ट का ओल्ड नेम था बच्चों कीमिया, और कीमिया के बेसिस पे इसका सबसे पहले नाम रखा गया था केमी टेक्ने, और केमी टेक्ने को ही बाद में बदल करके किया गया केमिस्ट्री। ये दिस इज द ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन जो हुई है केमिस्ट्री की वो इजिप्ट कंट्री से हुई है। इजिप्ट का ओल्ड नेम था कीमिया, और कीमिया के नाम पे ही वहां के साइंटिस्ट ने सबसे पहले केमिस्ट्री का नाम रखा था केमी टेक्ने, और केमी टेक्ने को मॉडिफाई करके किया गया केमिस्ट्री। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब ये काम किया किसने, तो एक साइंटिस्ट था एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर,
दिस इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, दिस इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर, यही वो शख्सियत थी जिसने केमिस्ट्री को दी, केमिस्ट्री दी जिसने, एंटोनी लॉरेंट लेवाजियर। तो देखो यहाँ पे तीन चीजें क्लियर हो गई, व्हाट इज केमिस्ट्री क्लियर हो गई, केमिस्ट्री की ओरिजिन क्लियर हो गई, और केमिस्ट्री के फादर के बारे में हमें पता चल गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है। बेसिकली कहा जाता है कि केमिस्ट्री ना तीन टाइप की होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, बट ऐसा नहीं है बच्चों, यहां पे समझो इसका मतलब। यानी केमिस्ट्री को बेसिकली हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, समझना है यहां पे। ठीक है, पहली कैटेगरी होती है आपकी प्योर केमिस्ट्री, दूसरी होती है अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया गया है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल अप्लाइड को किया गया लाइक बायोकेमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, ईटीसी लगा दो। देखो ये है एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। मेनली केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज प्योर केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर केमिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आप 11th और 12th में सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ोगे, ये पूरा पार्ट पढ़ोगे आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पढ़ोगे। उसके बाद आती है अप्लाइड केमिस्ट्री, या तो आप ये कह सकते हो कि इन तीन केमिस्ट्री को छोड़ के जितनी भी केमिस्ट्री है वो सारी की सारी केमिस्ट्री कहलाती है अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जैसे बायो केमिस्ट्री हो गया, सॉइल केमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, वॉर केमिस्ट्री, और भी बहुत सारी केमिस्ट्रीज होती हैं, तो इन तीन को छोड़ के जितनी भी केमिस्ट्रीज आती हैं वो सारी आती हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर। ठीक है, और ये होती है प्योर केमिस्ट्री। आप 11th और 12th में सिर्फ ये तीन केमिस्ट्रीज को पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, इसके भी स्क्रीनशॉट लो, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके बच्चों, अब देखो, अब यहां पे मैं आपको थोड़ा स्कोप की बात करूं, तो केमिस्ट्री का स्कोप तो आप कुछ जानते ही हैं, केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा स्कोप है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, फूड इंडस्ट्रीज में भी, और बहुत सारा स्कोप है केमिस्ट्री का, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज में भी। लेकिन इसके ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, डिसएडवांटेज मतलब जैसे अब केमिकल्स बन रहे हैं, मान लो दवाई की फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड हुई है, वहां पे बहुत सारे केमिकल्स यूज हो रहे हैं, दवाई बन रहे हैं, तो आपको पता है वहां से जो पानी निकलता है वो नदियों में जाता है, उससे आपका वाटर पॉल्यूशन भी होता है, बड़ी बड़ी चिमनियां लगी होती हैं, एयर पॉल्यूशन भी होता है, एटमॉस्फेयर भी खराब होता है, तो इसके डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे। ठीक है, केमिस्ट्री के, तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था बच्चों, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की ओरिजिन कहां से हुई, केमिस्ट्री के फादर कौन है, केमिस्ट्री को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ये सारा बेसिक्स क्लियर हो गया था। अब बच्चों हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, और आपके चैप्टर का पहला सेक्शन है, हमने इसको चैप्टर को सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है बच्चों, अभी हम पहले सेक्शन की बात कर रहे हैं, और पहला सेक्शन जो आपका है वो है बच्चों मैटर। बहुत सिंपल सा सेक्शन है ये, और ये चीज आप बहुत बेसिक चीज है, नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो मैटर, नाइन्थ में दो चैप्टर भी है आपके, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मैटर के ऊपर ही डिपेंड है पूरा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सेक्शन है मैटर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर का मतलब होता है बच्चों एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास। यानी कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर मास हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों मैटर। ठीक है, अब यहां पे देखो हैशटैग लगा के आप एक चीज लिखोगे, ऐसी कौन सी चीज है जो मैटर नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर देखो आपके आ जाते हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स मैटर नहीं है, सैडनेस, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम, ईटीसी, ये सब मैटर के अंदर नहीं आते, ये फीलिंग्स, सैडनेस, इलेक्ट्रिसिटी, वैक्यूम, और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्मेल, फ्रेग्रेंस, ये सब मैटर के अंदर नहीं आते बच्चों। ठीक है, ये चीजें कंसीडर नहीं होती मैटर के अंदर,
हम सिर्फ इतना कह सकते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, यहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, कि मैटर को किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, उस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझिएगा बच्चों। उस फ्लो चार्ट में ही आपका ये पूरा सेक्शन क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा मैटर। अब देखो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं दो तरह से, पहला फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। मैटर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल के अंदर बच्चों हम फर्दर फिजिकल को डिवाइड कर सकते हैं, पहला हम कर सकते हैं यहां पर सॉलिड, लिक्विड, देन गैस, देन फोर्थ प्लाज्मा और देन फिफ्थ बीईसी। यहां तक बात क्लियर होगी। इसको मैं ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, इधर थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा उसके लिए, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ये यानी मैटर को बेसिकली डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज में, वन इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को फर्दर डिवाइड किया गया सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी का पूरा नाम होता है बच्चों बोस, आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये पूरा नाम होता है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब केमिकल के बेसिस पे बच्चों, केमिकल के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज में, वन इज प्योर एंड सेकंड इम्प्योर। इम्प्योर को बच्चों हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं, यानी प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को मिक्सचर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो प्योर सबस्टांस को फर्दर डिवाइड किया गया है, वन इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। वन इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड। एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है बच्चों, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। ठीक, कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक, मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। ये दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये पूरे मैटर का क्लासिफिकेशन हो गया। मैटर को बेसिकली डिवाइड किया गया टू कैटेगरीज, वन इज फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, फिजिकल को फर्दर फाइव कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, केमिकल को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस यानी मिक्सचर। प्योर सबस्टांस को फर्दर डिवाइड किया गया एलिमेंट एंड कंपाउंड, और मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों फ्लो चार्ट का जल्दी। ओके, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है कि इस पूरे फ्लो चार्ट को हमें डिस्क्राइब करना है वन बाई वन, हमें सारी चीजें स्टडी करनी है, उसके बाद हमारा ये सेक्शन वन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एक्चुअली ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें, क्योंकि हमें बेसिक्स पढ़ने हैं, बेसिक्स के बारे में जानना है बस, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने के लिए ये सॉलिड स्टेट नाम से हमारा 12th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, लिक्विड और गैस के लिए 11th क्लास में आपका 5th चैप्टर है स्टेट ऑफ मैटर के नाम से। ठीक है, वहां हम डिटेल में इनकी स्टडी करेंगे, अभी तो हमें यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स जानना है। ठीक है, तो देखो सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स होते हैं दो सबस्टांस विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। जो सबस्टांस जिनका वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होती है, दोनों चीजें डेफिनेट होती है यानी फिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। ठीक है, रिगिडिटी, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होगा लेकिन शेप जो है वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, और ये कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं होते लिक्विड्स। इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम फ्लूइड्स, इनका एक और नाम है फ्लूइड्स, इनको फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। जैसे आप लिक्विड को डाल दो तो फ्लो करता है, पानी फैल जाता है तो फ्लो करता है, तो उसी टेंडेंसी की वजह से हम इनका एक और नाम बोलते हैं, इनको बोलते हैं फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब फ्लो। ठीक है,
और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है बच्चों, लेकिन गैस से ज्यादा होता है। इस वजह से हम लिक्विड को बोल सकते हैं इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी गैस से ज्यादा होता है, सॉलिड से कम होता है। ठीक है, अगर हम गैस की बात करें बच्चों, तो गैस का मतलब क्या होता है, ना तो इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो निग्लिजेबल होता है। ठीक है, और इनके अंदर भी एक टेंडेंसी होती है जिस फ्लो करने की, जिसको हम फ्लूडिटी बोलते हैं। फ्लूडिटी यानी लिक्विड के अंदर भी होती है, गैस के अंदर भी होती है, लेकिन फ्लूडिटी सबसे ज्यादा होती है गैस की। जैसे मान लो आपका एक रूम है, और रूम के अंदर आप एक परफ्यूम की या डीओ की बोतल लो, उसको थोड़ा दबा दो, तो उसके जो गैस के अंदर से जो मॉलिक्यूल्स निकले हैं वो पूरे रूम में फैल जाएंगे, और पूरा रूम में आपको फ्रेग्रेंस आप जब देखोगे तो पूरी रूम में फ्रेग्रेंस हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पार्टिकल बहुत जल्दी मतलब डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफ्यूज होने की टेंडेंसी भी होती है गैस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये स्टेट प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा एक्चुअल में इन तीन के अलावा न्यू स्टेट है, प्लाज्मा और बीसी, इनको नया ऐड किया गया, तो ज्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स आपको बता देता हूं। प्लाज्मा का मतलब होता है अगर किसी भी गैस पार्टिकल को आप आयोनाइज्ड कर दो, वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। अगर आपने गैस पार्टिकल को आयोनाइज्ड कर दिया तो वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा। जितनी भी साइन करने वाली चीजें होती हैं वो सारी प्लाज्मा स्टेट की होती हैं बच्चों, जैसे सन, मून, स्टार्स, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, ये सब कुछ प्लाज्मा है। ठीक है, जो चीज साइन कर रही है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा बनता कैसे है, गैस पार्टिकल को आयोनाइज्ड कर दो, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बीईसी की। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। एक्चुअली ये दो साइंटिस्ट के नाम से मिलकर बनाई गई है, मतलब इसका नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे दो साइंटिस्ट ने काम किया था। एक बोस, बोस का मतलब था सत्येंद्र बोस, ये इंडियन साइंटिस्ट थे, और दूसरे थे आइंस्टीन, दोनों ने मिलकर काम किया था इस स्टेट के लिए। तो ये बनती है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी बनती कैसे है, जिस तरह से आप गैस पार्टिकल को आयोनाइज कर रहे हो और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो रही है, सेम उसी तरह अगर गैस पार्टिकल को आपने कंडेंसेट कर दिया तो वो बीईसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसके पीछे क्या लगा है, कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी अगर गैस पार्टिकल को आपने कंडेंस कर दिया, यानी कूलिंग करवा दी, तो वो किसमें चला जाएगा, बीसी स्टेट में चला जाएगा। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया बच्चों, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका। अब हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिली हो। दो सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ बाय द ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी है, उस चीज को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर रखा गया एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स की, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट का मतलब होता है बच्चों दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द अप्लाइंग ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके ऊपर आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करो तो वो ब्रेक नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, Na। अब Na एक एलिमेंट है, अब इसके ऊपर चाहे आप हीट अप्लाई करो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करो, ये टूट सकता है, नहीं टूटेगा। केमिकली ब्रेकिंग की बात कर रहा हूं बच्चों, मैं यहां पर फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये आयरन की रॉड है, अब आयरन क्या होता है, Fe होता है। अब मैं इसके 10 टुकड़े कर दूं, तो मैंने फिजिकली तोड़ा है इसको, ये केमिकली नहीं टूटा, 10 टुकड़े भी आयरन की तो कहलाएंगे। मान लो आयरन की रॉड है, इसको मैंने 10 जगह से तोड़ दिया, लेकिन जब भी इसके जो 10 पीस होंगे वो भी तो आयरन के ही कहलाएंगे ना, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। तो केमिकली ये टूटा नहीं, फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो स्प्लिट नहीं होते, चाहे हम हीट अप्लाई करें या फिर उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करें। क्लियर, इसके अंदर तीन चीजें आती है, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। मेटल क्या होते हैं बच्चों, ये बेसिक चीजें हैं, आपने 9-10 से पढ़ना शुरू कर दिया था इनको। मेटल का मतलब क्या होता है, यानी दो सब्सटेंस विच आर मेलेबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्टर्स, कंडक्ट हीट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज जिस सब्सटेंस के अंदर होती हैं, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं बच्चों मेटल। ठीक है, नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो जो प्रॉपर्टीज मेटल में होती हैं वो नॉन मेटल के अंदर नहीं होती, ना तो ये डक्टाइल होते हैं, ना मेलेबल होते हैं, ना सोनरस होते हैं, ना लस्टर होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। और यहां पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि नोट डाल के कि ऑल गैसेस आर नॉन मेटल। ठीक है, मेटालॉइड्स का मतलब क्या होता है, मेटालॉइड का मतलब होता है कि दो सब्सटेंस विच कंटेन बोथ प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल,
ऐसे सबस्टांस जो दोनों की प्रॉपर्टीज को कंटेन करते हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उनको हम बोलते हैं बच्चों मेटालॉइड्स। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ ना एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, मेटल की मैं बात करूं सोडियम पोटेशियम, अभी हमने पढ़ा मेटल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन सोडियम के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। हमने पढ़ा था कि मेटल बहुत हार्ड होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम इतने इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनको नाइफ से आप कट कर सकते हो। ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। जैसे नॉन मेटल में हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, लेकिन ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एक इतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि वो नॉन मेटल है और हम कहते हैं नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, तो ये क्या हुआ, एक्सेप्शनल केस हुआ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर लस्टर, लस्टर का मतलब होता है, लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक, शाइनिंग, हम कहते हैं कि नॉन मेटल शाइन नहीं करती, लेकिन इन द केस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के अंदर चमक होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। अब हम करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, अभी हमने प्योर सब्सटेंस का मतलब पढ़ा था, प्योर सब्सटेंस में हमने क्या पढ़ा था कि वो सब्सटेंस जो सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन यहां पर तो कुछ कहानी और ही है। यहां तो कहानी यह है कि कंपाउंड की डेफिनेशन है व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, लेकिन प्योर सब्सटेंस तो कह रहा है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, तो यहां पर तो वन काइंड रहा ही नहीं। तो एक्चुअल में बेटा इसकी डेफिनेशन आप ये लगाओगे बच्चों कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, अगर कोई चीज फिक्स रेशियो बाय मास में प्रेजेंट है तब हम उसको कंपाउंड कहेंगे और वो प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे इसको समझो डिटेल में, फॉर एग्जाम्पल हमने H2O की बात करूं, अब H2O इज द कंपाउंड, अगर हमें वॉटर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिक्स करना पड़ेगा, तो यहां पे जो इसका मिक्स होने का रेशियो होगा वो 1:8 होगा, ये कॉन्स्टेंट हो गया, ये फिक्स हो गया। इस रेशियो में अगर हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं तो हमें वाटर मिलेगा, अगर ये रेशियो आपने चेंज कर दिया तो मिक्स तो तब भी हो जाएंगी लेकिन वो मिक्सचर बनेगा, वो प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते हम उसको। प्योर सब्सटेंस मतलब फिक्स रेशियो बाय मास, कोई भी चीजें आप मिक्स कर रहे हो तो उनका रेशियो जो फिक्स होना चाहिए, और हर कंपाउंड का, जितने भी कंपाउंड्स हैं सबके रेशियो फिक्स होते हैं, इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस में रखा गया है। अब प्योर कंपाउंड भी टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है दो सब्सटेंस विच कंटेन कार्बन, जो सब्सटेंस या जो कंपाउंड जिनमें कार्बन प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, जैसे C2H6, CH4, ये सब ये कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। इनऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। आपके 10th क्लास में 4th चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो यही था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक की हम बात करें तो दो सब्सटेंस डज नॉट कंडक्ट कार्बन, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता वो होते हैं इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में बच्चों सारे सॉल्ट्स आ जाते हैं, जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं, जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट, ये सब जितने भी सॉल्ट्स हैं वो इनऑर्गेनिक कैटेगरी में रखे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जिनके अंदर दिखता कार्बन है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, उनको आपको ध्यान रखना है, जैसे CO2, ठीक है, CO3, CN, HCN, अब देखो इन सब में कार्बन दिख रहा है लेकिन ये इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आती हैं बच्चों, ये ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आती, ये बात ध्यान रखना, ये अलग से एक पॉइंट लगा के इसको लिखना, CO2, CO3, CN, HCN और भी है, ये चीजें इनमें कार्बन दिख रहा है लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक में नहीं आती है, इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में रखी गई है, तो दिस इज द एक्सेप्शनल केस, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। ठीक है, तो देखो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसे, होमोजेनियस मिक्सचर का एक और नाम होता है इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, इसके ऊपर 12th क्लास में आपका पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है, हमें वहां यही पढ़ना है। होमोजेनियस का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस को बच्चों हम बोलते हैं सस्पेंशन, इसका दूसरा नाम होता है सस्पेंशन, हेटेरोजेनियस को बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यहां पे सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर और एक फेज बनती है, मान लो आपने पानी लिया, पानी में चीनी डाल दी तो चीनी कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आप देखोगे तो आपको सिर्फ ग्लास में पानी दिखाई देगा, चीनी दिखाई नहीं देगी, तो सिंगल फेज, ये सिंगल फेज एग्जिस्ट करते हैं होमोजेनियस, और यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, यहां पे जो सब्सटेंस होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं। हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है,
इसमें आपको टू और मोर देन टू फेसेस दिखाई देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी लिया, पानी में आपने सैंड डाल दी, मिट्टी, अब क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर। जब आप देखोगे तो आपको दो फेस दिखाई देंगी, मिट्टी अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा, दो फेस अलग दिखाई दे रही है। इसका मतलब वो क्या मिक्सचर कहलाएगा, हेटरोजेनियस, यानी हेटरोजेनियस में यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होते पार्टिकल, जबकि होमोजेनियस के अंदर पार्टिकल यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन और हेटरोजेनियस को हम बोलते हैं सस्पेंशन। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जो ना तो ट्रू सॉल्यूशन होती है ना ही सस्पेंशन होती है, यानी ना तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होती है और ना ही वो हेटरोजेनियस मिक्सचर होती है। उस बीच की कड़ी को हम बोलते हैं बच्चों कोलोइडल, ध्यान रखना उसको हम बोलते हैं कोलोइडल। ठीक है बच्चों, जैसे कोलोइडल का एग्जांपल होता है मेयोनीज, शेविंग क्रीम, कॉलगेट्स, ये सारे कोलोइडल के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपका ये पूरा फ्लो चार्ट क्लियर हो गया होगा, ये हमारा सेक्शन वन कंप्लीट हो गया बच्चों मैटर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकता है, होप मैं उसका डाउट क्लियर करूं। ठीक है, एक बार लास्ट फाइनल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेरी गुड बच्चों, बने रहिए मेरे साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्लियर करेंगे सेकंड सेक्शन, वो हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे फोकस रखिए, और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बच्चे कोचिंग एफर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों प्लीज उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करो। टेक केयर बच्चों।